सो हाई गाइज एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो गाइज आप लोगों में से ऐसा कितने बार हुआ है कि आपको ऐसा लगता है कि गाइज नया मोटरसाइकिल लिया है या फिर मोटरसाइकिल को एक दो साल हो गए हैं तो अभी मुझे वापस वो नया शाइन चाहिए मोटरसाइकिल पे, या फिर अपनी मोटरसाइकिल जो आपने अगर नहीं ली है तो आपको ऐसा चाहिए कि यार मेरी मोटरसाइकिल वैसी की वैसी रहनी चाहिए 4-5 साल तक। 2 साल बाद अभी मैं अपनी मोटरसाइकिल को मॉडिफाई करने वाला हूँ, टोटली सारे चेंजेस करने वाला हूँ। एक तो रैप करूंगा या फिर ऊपर से कुछ अच्छा खासा स्टिकरिंग करने वाला हूँ। सो उससे पहले मैंने सोचा यार इतना खर्चा अगर मोटरसाइकिल पर करा ही रहा हूँ तो एक काम करता हूँ उसके साथ साथ सिरेमिक कोटिंग भी करा लेता हूँ अपने मोटरसाइकिल पे, ताकि क्या होगा उसके ऊपर अगर मैं कोई स्टिकर विकर लगाऊंगा सो वो सारी चीज़ भी एकदम मोटरसाइकिल पे सूट करेगी। एक नया शाइन टाइप भी आ जाएगा मोटरसाइकिल पे, जिससे क्या होगा ना गाइस मोटरसाइकिल का टोटली लुक्स ही चेंज हो जाएगा और ऐसी लगेगी गाइस कि डायरेक्ट शोरूम से मोटरसाइकिल में उठा के ले आया हूँ। मैंने काफ़ी ढूंढा और एक ऐसी जगह मैंने फाइंड आउट की मुंबई में मेरे घर के पास जो एकदम ट्रस्टेड है और मुझे पता है जहाँ पे सिरेमिक कोटिंग का उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। सो नाउ गाइज हियर आई एम एट ऑटो ट्रीज मुंबई। ऑटो ट्रीज का गाइज आपने काफ़ी बार सुना ही होगा, एक काफ़ी रेप्यूटेड शोरूम है ये जहाँ पे सारा सिरेमिक कोटिंग एंड डिटेलिंग का वर्क किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे साथ है अभी यहाँ के ओनर सुनेलो सर। सर आपका नाम? संकेत। सर संकेत, सो संकेत सर, सर आप बेसिकली अभी मेरे मोटरसाइकिल पे सर क्या क्या करने वाले हो आप जरा बता दोगे हमारे लिए? ये पूरा 3 से 4 दिन का प्रोसेस है। बाइक को रेडी होने के लिए 3 से 4 दिन लगता है। 4 स्टेजेस में ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है। जैसे फर्स्ट डे पे वॉशिंग क्लीनिंग डिटेलिंग होता है व्हीकल का। वॉशिंग क्लीनिंग डिटेलिंग में डी स्केलिंग होता है, डी ग्रीसिंग होता है, डी आयनिंग होता है, क्लेइंग होता है, ये सब प्रोसेस होता है। इससे क्या होता है प्रीवियस पॉलिश कभी बाइक पे हुआ रहेगा या प्रीवियस ग्रीसिंग या कहीं पे ग्रीस लगा हुआ रहेगा ये सब रिमूवल होता है। फर्स्ट डे पे ये काम होता है। सेकंड डे पे वी स्टार्ट डूइंग पेंट करेक्शन। इन पेंट करेक्शन वी रिमूव माइनस वर्ल्ड मार्क्स स्क्रैचेस ये सब रिमूवल होता है। इट इज़ बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ सर्फेस बिफोर डूइंग नैनो सेरामिक कोटिंग। और थर्ड डे पे वी स्टार्ट डूइंग कोटिंग, जैसे प्लास्टिक कोटिंग हो गया, अलॉय स्टील कोटिंग हो गया, इंजन पे कोटिंग होता है, प्लास्टिक पेंट सरफेस पे कोटिंग होता है। तो सर कितने लेयर्स का कोट होगा? 3 लेयर्स का कोट होगा ऑन पेंट सरफेस। अलॉयस पे 3 लेयर्स, प्लास्टिक्स पे 3 लेयर्स एंड इवन लेदर सीट्स रहेगी तो लेदर सीट्स पे 3 लेयर्स। एंड गाइस प्लीज नोट इट्स कि खाली ये टैंक वगैरह का एरिया नहीं, प्लास्टिक्स भी वो कवर कर रही है। या वी कवर दी होल बाइक, इवन द चेसिस के पार्ट्स, इवन इंजन, अलॉयस, ब्लैक प्लास्टिक्स, लेदर्स, क्योंकि प्लास्टिक्स मैंने देखा नहीं है हर जगह पे, कोई कवर नहीं करता है। सर ये डिफरेंट जैसे हमारा पूरा प्रोडक्ट लाइन है, कैन शो यू द प्रोडक्ट लाइन है। हमारा पूरा प्रोडक्ट्स है से V1 बेस एंड टॉप है, ये पेंट सरफेस के लिए है। सो इफ यू ऑप्टिंग फॉर प्रोटेक्ट 3+ जो 3 लेयर्स का कोटिंग है तो इसमें 2 लेयर्स ऑफ बेस एंड 1 लेयर ऑफ टॉप अप्लाई होता है। फिर V2 हमारा दिस इज फॉर मेंटेनेंस, दिस विल नॉट अप्लाइड नाउ। ये जब 1 साल के बाद जब मेंटेनेंस जो हम प्रोवाइड करते हैं उसके लिए ये हमारा मेंटेनेंस प्रोडक्ट है। V3 इज फॉर प्लास्टिक्स, जैसे मैंने बोला ब्लैक प्लास्टिक्स, जो रॉ ब्लैक प्लास्टिक्स या फाइबर पार्ट्स होते हैं उसके लिए V3 होता है। V4 इज फॉर अलॉयज एंड इंजन। V5 इज फॉर ग्लास मिरर्स एंड V6 इज फॉर लेदर्स एंड V7 इज फॉर फैब्रिक। तो ये पूरा हमारा प्रोडक्ट लाइन है पूरी व्हीकल पे, आपका जो भी सरफेस रहेगा वो हिसाब से हम पूरा कोटिंग करके देते हैं। सो बेसिकली दे हैव डेवलप्ड अ नाइस किट, या अ नाइस पैकेज व्हिच दे आर गोइंग टू अप्लाई ऑन आवर मोटरसाइकिल। सो इट्स अ वेरी कूल थिंग एंड ये सब आपने डेवलप किया। ऑटो ट्रेस ब्रांड, पूरा सब कुछ, द वारंटी थिंग, द प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग इज फ्रॉम ऑटो ट्रेस। काफ़ी प्रोफेशनल वे में वो करने वाले हैं। सो इट्स अमेजिंग है, मतलब खुद से डेवलप कर रहे हैं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई और प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो सर आज जैसे आपने बताया आज डिटेलिंग एंड वॉशिंग होने वाला है। गाइज मैं आपको टोटली 3 दिन का सारा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाइज मैं अभी आपको करंट मेरे बाइक का कंडीशन दिखाता हूँ कि मेरी बाइक कैसी है, कौन से कंडीशन में। अभी मेरे बाइक 2017 का डोमिनर का मॉडल है, सो 2 साल हो चुके हैं। सो अभी बाइक इतने भी ज़्यादा अच्छे कंडीशन में नहीं है, पर आई एम श्योर कि सिरेमिक कोटिंग के बाद पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है मोटरसाइकिल का एंड एकदम शोरूम कंडीशन में सर बाइक देने वाले हैं। ज़्यादा कंडीशन है, सो यू विल गेट 2 टाइम्स मोर ग्लॉस देन शोरूम। जो सिरेमिक का नैनो सिरेमिक कोटिंग का गेट एक बेनिफिट होता है। यस, या जो शोरूम के से जो ग्लॉस होता है उससे भी 2 टाइम्स मोर ग्लॉस देता है सिरेमिक कोटिंग। दैट्स वेरी कूल। सो गाइस अभी मैं आपको करंट कंडीशन दिखा देता हूँ अपने मोटरसाइकिल का। इस बाइक को 2 साल कंप्लीट हो गए और उसके बाद अभी मैं सिरेमिक कोटिंग करने आया हूँ। सो डिटेलिंग एंड वॉशिंग के पहले मैं आपको पूरा बाइक का कंडीशन दिखा देता हूँ। We'll be right back.
गाइस एज यू कैन सी सारा डिटेलिंग एंड वॉशिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अभी बाइक अभी से ही नई लगने लग गई है, पर एज सर ने क्लेम किया है कि बाइक शोरूम कंडीशन से भी ज़्यादा अच्छी दिखेगी जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। सो सारा जो बिफोर आफ्टर वाला पार्ट है वो तो मैं आपको एकदम लास्ट में दिखाऊंगा। सो अभी इसके बाद हम करने वाले कलर करेक्शन का प्रोसेस। सो उसमें सारा जो थोड़े जो माइनर स्क्रैचेस है वो सारे निकल जाएंगे। सो अभी आते हैं सीधा नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। सो गाइस एज यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर, यहाँ पे V4 मारने के बाद ये पोर्शन देखो गाइस कितना डार्क हो गया, और ये वाला जो मेरा करंट साइलेंसर का पोर्शन था वो कुछ ऐसे दिख रहा था और अभी V4 मारने के बाद कुछ ऐसे दिख रहा है, तो यार काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया। सो काफ़ी कूल लगने वाली है अभी हमारी मोटरसाइकिल। सो गाइस दिस इज द डे 3 एंड नाउ हमारी बाइक पूरी तरीके से कोट हो चुकी है। अभी मेरी बाइक पूरी तरीके से नई दिखने लग गई है, और क्या पता होगा गाइस ऐसा लग रहा है गाइस कि नई बाइक की डिलीवरी लेने आया हूँ मैं अभी, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। क्योंकि यार आप देख ही सकते हो कि बाइक कितने ज़्यादा नए कंडीशन में यहाँ पे हमें दिख रही है। अच्छा फील, इतना अच्छे लुक्स तो यार इसके जब भी मैंने बाइक नई ली थी तभी भी इतनी ज़्यादा नहीं चमक रही जितनी ज़्यादा अभी चमक रही है। एंड गाइज एक और इंटरेस्टिंग बात, हमारी मोटरसाइकिल के साथ हमारे हेलमेट को भी सिरेमिक कोटिंग पूरा कर दिया है और हेलमेट काफ़ी ज़्यादा चमक रहा है। सो थैंक्स दादा, तुमचो नाव काय? कौशल। सो थैंक यू कौशल दादा, थैंक यू गौरव दादा, तुम्ही दोघांनी खूप जास्ती हेल्प केली आम्हाला। गाइज मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट है गाइज इनकी, और इनके जो ओनर है ना यार आपको ऐसा टिपिकल ओनर्स टाइप लगेंगे नहीं, क्योंकि गाइज उनका सर्विस उनके बोलने के तरीके से आपको ऐसा लगेगा कि यार कितने ज़्यादा फ्रेंडली है। सो क्या होता है ना गाइज, कस्टमर के साथ एक रिलेशन बनाना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो यार अगली बार वो आएगा या फिर दूसरों को सजेस्ट करेगा। सो एंड गाइज एक यूट्यूबर को भी ऐसा लगता है कि यार कोई अच्छा ट्रीटमेंट दे रहा है सबको, तो यार दिल से उसके लिए एक वीडियो बनाना बनता है। तो गाइस बस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सिरेमिक कोटिंग कैसा लगा। एंड गाइस मुझे ये भी बताना आपके दिमाग में अगर कोई डोमिनार के लिए मॉडिफिकेशन आइडिया होगी तो जरूर मुझे कमेंट करके बता देना। सो गाइस बस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।